हेलो फ्रेंड्स, आप सबको मेरी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। अब विंटर का सीजन चल रहा है तो बाज़ार में बहुत प्रकार का वेजिटेबल्स और फ्रूट्स अवेलेबल होता है। तो फ्रेंड्स, हमें विंटर का हर वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खाना चाहिए क्योंकि ये हमारे शरीर के लिए लाभदायक है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मिक्स वेज करी। चलिए बनाना शुरू करते हैं। मिक्स वेज रेसिपी बनाने के लिए मैं यहाँ पर ली हूँ गोभी, एक गोभी। इसको मैं ऐसे थोड़ा बड़े टुकड़ों में काटी हूँ। हाफ कटोरी ग्रीन मटर, 3 गाजर। गाजर को मैं थोड़ा लंबे शेप में काटी हूँ। थोड़ा सा फ्रेंच बीन्स, फ्रेंच बीन्स को भी मैं लंबे शेप में काटी हूँ। और 2 आलू, आप चाहे तो इसमें शिमला मिर्च ऐड कर सकते हैं, मेरे पास नहीं था इसलिए मैं इस सब्जी में बनाऊंगी। साथ में मैं ली हूँ पनीर, ये 250 ग्राम पनीर है। पहले हम आलू, गोभी, गाजर और बीन्स को थोड़ा सा फ्राई करेंगे। गैस ऑन करके कढ़ाई रखेंगे। कढ़ाई गर्म हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे 3 से 4 बड़े चम्मच तेल। तेल गर्म हो गया है, अब हम इसमें सारे वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। गोभी, गाजर, बीन्स, आलू। आलू ऑप्शनल है, आप चाहे तो ऐड कीजिए, वरना इसे अवॉइड कीजिए। अब हम ग्रीन मटर नहीं ऐड करेंगे, ग्रीन मटर को हम बाद में डालेंगे। नमक स्वाद अनुसार, हल्दी पाउडर 1 छोटे चम्मच, सबको डालकर हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। सारे सब्जी को हम हल्के से फ्राई करेंगे। इस समय मैं ग्रीन मटर नहीं ऐड कर रही हूँ, ग्रीन मटर को हम मसाला भुनने के बाद ऐड करेंगे। अब हम इसको ढककर 2 से 3 मिनट कुक करेंगे ताकि हमारा वेजिटेबल्स थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। 2 मिनट हो गया है, अब हम चेक करेंगे। देखिए हमारा सब्जी हल्के से गोल्डन ब्राउन हो गया है। देखिए हमारा वेजिटेबल्स हाफ कुक हो गया है, अब हम इसको निकाल देंगे। पनीर को मैं ऐसे शेप में काटी हूँ, आप कोई भी शेप में काट सकते हैं। अब हम पनीर को हल्के से फ्राई करेंगे। पैन में तेल को गर्म करेंगे।
पनीर के ऊपर थोड़ा सा हम सॉल्ट डाल देंगे ताकि अच्छा टेस्टी बने। मैं हमेशा थोड़ा सा सॉल्ट डालकर पनीर को फ्राई करती हूँ। सॉल्ट डालने से पनीर अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाता है और सॉफ्ट भी बनता है। पनीर फ्राई हो गया है, अब हम मसाला तैयार करेंगे। मसाला के लिए मैं ली हूँ 2 बड़े चम्मच जीरा, 7-8 लहसुन की कली और 1.5 इंच अदरक। अदरक को मैं इसे काटती हूँ ताकि मैं इसको ग्राइंड करूँगी। और 1 बड़े साइज टमाटर, इस सब को हम ग्राइंड करेंगे। बाद में हम सूखा मसाला ऐड करेंगे। देखिए मसाला ग्राइंड हो गया है, आप चाहे तो इसमें प्याज भी ऐड कर सकते हैं। मैं बिना प्याज में ये रेसिपी बना रही हूँ। गैस ऑन करके कढ़ाई रखेंगे। कढ़ाई गर्म हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे 3 बड़े चम्मच तेल। अब हम मसाला भुनेंगे। तेल गर्म हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे 2 तेज़पत्ता, पिसा हुआ मसाला ऐड करेंगे। अब हम इसमें सूखा मसाला ऐड करेंगे, 1/2 छोटे चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटे चम्मच करी पाउडर, 1/2 छोटे चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटे चम्मच धनिया पाउडर। अब हम सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। सारे मसाला को हम 2 से 3 मिनट भूनेंगे। मसाला भून गया है, अब हम इसमें डालेंगे हरे मटर और सारे फ्राई किया हुआ सब्जी। सबको हम मसाले के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे ग्रेवी के लिए, क्योंकि हम फ्राई करते समय भी नमक ऐड किया था। अच्छे से मिक्स कर देंगे सबको। अच्छे से मिक्स करके हम इसमें पानी ऐड करेंगे। अब हम सब्जी में थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि हमारा सब्जी अच्छे से पक सके। अभी हाफ कुक हुआ है। वाओ, कितनी कलरफुल दिख रहा है हमारा सब्जी। अब हम ढक कर 5 मिनट छोड़ देंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। 5 मिनट हो गया है, अब हम चेक करेंगे। देखिए हमारा गोभी पक गया है। अब हम इसमें पनीर ऐड करेंगे।
सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम ढककर 2 मिनट छोड़ देंगे ताकि हमारा वेजिटेबल्स पनीर मसाले में अच्छी तरह अब्जर्व हो जाए। 2 मिनट हो गया है, अब हम चेक करेंगे। देखिए हमारा सारा सब्जी पक गया है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा गरम मसाला स्प्रेड करेंगे। 1 छोटे चम्मच गरम मसाला हम इसके ऊपर डालकर अच्छे से मिक्स कर देंगे और थोड़ा सा धनिया पत्ता। सबको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये बन गया हमारा मिक्स्ड वेजिटेबल करी। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे सर्व करेंगे। ये बन गया हमारा मिक्स वेज करी। आप इस रेसिपी को ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए, इस रेसिपी का मज़ा लीजिए। इसको आप रोटी, पूरी, नान, चावल किसी के साथ भी ले सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी होता है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छा लगे तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन दबाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नए रेसिपी के साथ। थैंक यू।